चलो आज स्टार्ट करते हैं फिर अपना मल्टीप्लिकेशन से। लास्ट टाइम तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ सीख लिया था। सो ये टॉपिक रिलेटिवली थोड़ा हमारे पास इजी और इम्पोर्टेंट ज्यादा मेरे पास यही टॉपिक होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन होके दो टाइप की छोटा सा टॉपिक है, मतलब दो लेक्चर जो बड़े बड़े थे मेन सीखने वाले वो हम कर चुके हैं, अब ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास दो तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं फिजिक्स में। फर्स्ट होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और सेकंड होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अगर थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा तो और अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट पे आने से पहले याद है मैंने कल तुम्हें बताया था कि किसी भी वेक्टर को अगर तुम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। क्या वो सेम वेक्टर होगा? नहीं, वो डिफरेंट वेक्टर होता है। उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दिस स्केल। ठीक है, तो ये हमने बात कल कर ली थी कि अब जब हम स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, वेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लो दो हमारे पास वेक्टर है, अगर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट लेने वाला हूं तो हमारे पास एक चीज आती है जिसे कहते हैं स्केलर। अरे तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर मिल रहा है स्केलर, क्यों मिल रहा है अभी पता लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक न्यू मेथड से समझाना चाहूंगा जो कि थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल वे है। यहां पे मान लो हमारे पास ना कुछ ऐसे, थोड़ा सा इधर बना लेते जगह, मान लो हमारे पास ना ऊपर ना एक वो बाउल देखा सबने, हेमिस्फेयर टाइप का वो बाउल है, ऊपर से ना मैं टॉर्च चला दू यहां पे। ये मैं तुम्हें एक बार पहले भी समझाने की ट्राई कर रहा था एग्जांपल, आज समझते हैं। मान लो मैं ना ऊपर टॉर्च चलाने की ट्राई कर रहा हूं तो वो नीचे शेप कैसी बन जाएगी? मेरे ख्याल से नीचे शेप बन जाएगी एक सर्कल टाइप की बन जाएगी ना। अब क्या होगा जब मैं इसको ऐसे टिल्ट करने वाला हूं, मतलब इसको किसी एंगल से ऐसे घुमाने वाला, तब क्या हो जाएगा? तब इसकी शेप हमारे पास ना छोटी 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 होती रहती है। तो इन्हीं चीजों को मुझे अच्छी तरह डिफाइन करना था, इसीलिए ना मैं एक वर्ड यूज करता हूं यहां पे, प्रोजेक्शन। शायद तुमने वर्ड तो एटलीस्ट सुना होगा, पहले नहीं भी सुना कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है कि मान लो एक वेक्टर हमारे पास यहां पे है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारे पास यहां पे है बी वेक्टर, इनके बीच में अगर एंगल है थीटा, अगर मैं ऊपर से टॉर्च चलाऊंगा तो मेरे को ना इतना ही एरो दिखने वाला, मतलब ये एरो की ये जो ए वेक्टर है इसकी इतनी ही शैडो दिखने वाली है मुझे। अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है तो ये कितना होता है, ए कॉस थीटा, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी। तो ए कॉस थीटा और बी अगर मैं इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यही हमारे पास क्या डिफाइन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट। सो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की तुम्हें डेफिनेशन बताना चाहूं, इसी को ही कैसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ए डॉट बी, यही होता है हमारे पास ए डॉट बी। अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन बताना चाहूं तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर भी कह सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। प्रोजेक्शन जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हम कॉस वाला कंपोनेंट लेने वाले हमेशा। ठीक है, कि जब भी मैं मान लो ऊपर से टॉर्च चलाऊं तो इसकी इतनी ही शैडो इसमें बनने वाली है नीचे की साइड। अब तुम कहोगे साइन वाला कहां गया, साइन वाला भी आएगा जल्दी। ठीक है, उसके लिए तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट एक डिफाइन करना है। सो दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, या हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हमारे पास यूज होगा। सबसे पहला याद है हमने कभी वर्क डन किया था, वर्क डन हमारे पास होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर मान लो यहां पे एक मेरे पास बॉक्स है जिसका मास है एम, उस पर फोर्स हम लगा रहे हैं यहां पे, लेकिन हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेते थे याद है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ले लेते थे एफ कॉस थीटा, और इधर ही तो होती थी डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास एप्लीकेशन भी है, हम वर्क डन को लिखते थे एफ डॉट एस, मतलब फोर्स का वो वाला कंपोनेंट या फोर्स की वो प्रोजेक्शन जो कि किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। सो इसका इतना मीनिंग होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेना हो जब भी हमें क्या करना हो, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लेके जाना हो, देन वी यूज डॉट प्रोडक्ट। अभी मैं इसके पॉइंट्स लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हमें बात समझ आ रही है कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। एक और चीज बताना चाहूंगा, मान लो हमारे पास एक तो ऐसे डिफाइन होता है ए बी कॉस थीटा, अगर मान लो हमारे पास कभी वेक्टर ऐसे दे रखा है ए इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे भी हम कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर, है ना। वैसे ही कुछ मान लो मैं दे रखा बी वेक्टर जिसमें एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ऐसा कुछ दे रखा, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई ज्यादा इतने
टफ इसमें चीजें आएंगी नहीं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। कैसे होता है हमारे पास, इसको ऐसे कर दो सिंपल, ए एक्स यहां पे होता है बी वाई और यहां पे होता है सी जेड। सीधा सीधा मैंने क्या करा, इसके जो कंपोनेंट सॉरी इसके जो हमारे पास कोफिशियंट है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। वो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी की ये जो आई कैप जे कैप के कैप है, मैं तुम्हें एक का प्रूफ करके भी दिखाता हूं। ये आई डॉट आई क्या होता है, ये आई डॉट आई वैसे तो वन होता है, एक बार देख भी लेते हैं क्यू वन होता है। अगर मैं तीन एक्सिस बनाऊं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, ये मैंने एक्सिस बनाई, इधर आएगा आई कैप, इधर आएगा जे कैप और इधर आने वाला है के कैप। बात समझ आ गई यहां तक। अच्छा आई क्या, मैंने आई आई बना लिया, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये रखते हैं। यहां पे है आई कैप और दूसरा आई कैप भी कहां होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों आई कैप के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। और आई फॉर्मूला लिखते हैं, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस में जीरो डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, और कॉस जीरो भी क्या होता है, वन। तो इसका आंसर आता है वन। एक और प्रूफ देखते हैं, आई डॉट जे हमारे पास क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस, इस बार एंगल कितना होता है आई और जे में, 90 डिग्री, और कॉस 90 तो हमें पता है क्या होता है, खत्म। तो ऐसे हम सारों के लिए लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं लिखना चाहूं तो सेम सेम वालों की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, वन, और अगर डिफरेंट डिफरेंट वालों की करोगे तो आएगा जीरो। इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहां पे यूज किया, मैं अगर इसको इसको करता तो जीरो, इसको इसको करता तो जीरो, सीधा सीधा मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब तुम कहोगे आई कैप क्यों नहीं लिखा साथ में, आई कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, वन, इसलिए ए इंटू एक्स बी इंटू वाई सी इंटू जेड, सीधा सा हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया। आज हम यहां तक कोई डाउट, बात समझ आ गई। अब एक और चीज समझ लेते हैं कि ये जो ए डॉट बी लिख रहे हैं इसमें ये जो ए बी कॉस थीटा है हमारे पास, क्या ये समझ आया कहां से आया ए बी कॉस थीटा, हाँ, यहां से हमारे पास प्रोजेक्शन मेथड से। जब भी तुम्हारे पास वर्ड यूज हो प्रोजेक्शन तो वहां पे आता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर जब भी तुम्हारे पास तुम्हें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए तो भी क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी इसके लिखवाऊंगा ये सारी चीजें। ये हमारे पास वेक्टर, ये वेक्टर, यहां पे ये क्या है जिसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ, मैग्नीट्यूड, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और ये बी का क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर ही तो होगा, तो कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें। यहां पे हमारे पास वेक्टर, यहां भी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर में क्या मिल रहा है, सारा स्केलर, मतलब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लो, आंसर क्या मिलता है, स्केलर, इसीलिए इसे बेटा कभी कभी कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, शायद ये भी मैंने कभी बताया हो, दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो एक स्केलर आता है, ठीक है, एक नंबर आएगा हमारे पास। यहां देख लो कोई आई कैप जे कैप के कैप है ही नहीं यहां पर, बात समझ आ गई हमें यहां तक। उसके बाद यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन लिखते हैं। देखो इसमें कुछ है नोट करने का, कर लो एक बार, क्या लिखना था डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन, कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये तो डिफाइन हो गई, ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमने सिंपल डिफाइन किया था कि जब भी मैं ऊपर से फॉर एग्जांपल टॉर्च चलाऊंगा तो ये ए वेक्टर का इतना सही पार्ट हमें दिखेगा नीचे शैडो में, ठीक है। उसी शैडो को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं, जो चीज मिली उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। हमने डिफाइन किया खुद से, हमने डिफाइन किया था नहीं कुछ, मैंने आज से बोल दिया उसे डॉट प्रोडक्ट कहूंगा, ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला, हाँ ए बी कॉस थीटा उसका फॉर्मूला, जहां पे ए है मैग्नीट्यूड बी है मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई होप कि यहां तक कोई डाउट ना हो। तो हमें यहां से दो चीजें मिल चुकी हैं, मैं दो रिजल्ट लिख देता हूं जो अभी तक हमें मिल चुके हैं। पहला रिजल्ट हमें कल मिल चुका था कि एक स्केलर को मल्टीप्लाई करो वेक्टर से तो आंसर मिलता है वेक्टर। अच्छा वेक्टर का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है अंग्रेजी में, क्या वेक्टर उसे कहते हैं, मच्छर जो होते हैं उन्हें वेक्टर्स कहते हैं, सुना नहीं कभी। अच्छा तुम तो मैथमेटिक्स के बच्चे हो, बायो के होते, तुम्हें पता होता है, बट उन्हें वेक्टर्स भी कहते हैं, सर्च करके देखना कभी। अच्छा वेक्टर और साथ में हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट,
वेक्टर का, तो हमें आंसर क्या मिलता है? स्केलर। अब हम तीसरी चीज पे आने वाले हैं कि वेक्टर का जब हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो हमारे को क्या मिलता है? एक वेक्टर ही मिलता है। चलो करते हैं। इसमें तो नहीं होता ना ऐसे कुछ क्या? क्रॉस प्रोडक्ट में होता है कि अगर ये आई डॉट जे क्या लिखा है, इसे उल्टा कर दो तो माइनस में आता है। इसमें नहीं होता। हाँ, इसमें नहीं होता क्योंकि ये ना स्केलर क्वांटिटी है, है ना? स्केलर को तो कैसे ही जोड़ लो। सर इसमें थीटा का वो क्यों नहीं आ रहा है? किसमें? ये अपने ax वाले को करा। इसमें थीटा पहले संभाल लिया बेटा इन्होंने, आई जे के कैप पर बस इतना सही है। हाँ, ये आई जे के कैप में संभाल लिया इसलिए। और जल्दी हो गया। चलो आ जाओ सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट जैसे अभी दिव्या ने कहा कि मान लो हम i डॉट j करें या j डॉट i करें तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब a डॉट b कर लो या फिर b डॉट a कर लो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। किसी भी डॉट प्रोडक्ट में दो वैक्टर का कैसे भी ऑर्डर में तुम मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, बात यहां तक हमें समझ आ रही है। तीसरा हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज इक्वल टू वन। ये वैसे हम पहले भी लिख चुके हैं बट ये प्रॉपर्टी में वहां पे यूज हो रहा, तो मैंने एक और बार तुम्हें साथ में लिखवा दी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी शायद रह गई है कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होते हैं? जीरो। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी इसकी डॉट प्रोडक्ट की। एक फोर्थ प्रॉपर्टी और दिमाग में आई है तो बताना चाहूंगा, ऑल्दो उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगी बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं। जो होती है हमारे पास, अगर मैं ए का डॉट प्रोडक्ट लू ए के साथ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आएगा? ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, मतलब एक वेक्टर का उसी के साथ ले लो। ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड एंगल कितना आएगा? जीरो डिग्री, क्योंकि एक ए इधर है तो दूसरा भी तो इधर ही होगा, सेम वेक्टर तो ले रहा हूं मैं, कितना आएगा? ए स्क्वायर। तो यहां पे मेरे पास एक रिजल्ट मिल गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डरना मत, ये जो रिजल्ट अब लिखने वाला हूं इससे नहीं भी याद रखोगे कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, इसे लिख लेते हैं फटाफट और नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह प्रॉपर्टीज भी होती हैं डॉट प्रोडक्ट के पास, बट ठीक है इतनी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लो, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होती है कि अगर तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो कुछ ऐसे, ठीक है, तो या तो दो वेक्टर पहले प्लस कर लो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, या फिर एक एक करके पहले डॉट प्रोडक्ट ले लो फिर उसको प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट सी, ये तो बचपन में की होंगी शायद प्रॉपर्टीज तुमने, है ना, ऐसी वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है कि ये डॉट प्रोडक्ट यूज कहां होता है। पढ़ तो लिया, डॉट प्रोडक्ट यूज भी तो होना चाहिए कहीं पे। तो सबसे पहला होता है कि अगर हमें कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना पड़े तो उसके लिए क्या यूज होता है? डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी, यूज तो पता लगे ना कम से कम, तभी तो इसको करने का फायदा है। सबसे पहली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हेडिंग डाल के, और सबसे पहली है इसमें टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बात समझ में आ गई यहां तक? जैसे मेरे को एक वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर मेरे को दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बेटा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा हमें ए और बी। तुम्हें पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? क्या मैंने बताया कभी? अगर नहीं भी बताया तो इसको नोट डाल के बीच में ही लिख लेना या कहीं साइड में लिख लेना तो और अच्छा रहेगा। कभी भी किसी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं एक बार। अगर ऐसे वेक्टर दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड हमारे पास होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पता थी हमें बात? नहीं पता थी तो आज हमने सीख ली। ठीक है, कैसे होता है? कोफिशियंट का स्क्वायर, कोफिशियंट का स्क्वायर, कोफिशियंट का स्क्वायर, आई जे के भूल जाओ। हमें यहां तक बात समझ आ गई। अगर मैं ये लिखना चाहूं ऊपर तो हमारे पास बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी
कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना कि एंगल कैसे निकालते हैं। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूं तो हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस थीटा। अगर मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल प्योर मैथमेटिक्स। यहां पर लिखा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहां लिखा ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना अभी अभी सिखा, यहां लिखा बी का मैग्नीट्यूड और दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नीचे भेजो तो क्या आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑल्दो उतना ज्यादा हमारे पास फ्रिक्वेंटली यूज ना होने वाला नहीं है, कोई पूरे दो साल में एक क्वेश्चन आएगा जिसपे ये फॉर्मूला कभी यूज हो जाए, वो भी गलती से, जबरदस्ती यूज करना पड़ जाए तो मैं दिखाने के लिए। वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं है बट स्टिल मेरे को बताना था कि डॉट प्रोडक्ट यूज का होता है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है देन वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक काम करते हैं, फिर मैंने लिखवा ही दिया तो एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड जे कैप इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। कैसे करें, पहले को मान लेते हैं ए वेक्टर, दूसरे को मान लेते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप और बी वेक्टर हमें दे रखा है जे कैप से। बात समझ आ गई, हमें कॉस थीटा निकालना, मतलब थीटा निकालना, कैसे निकालें, लगाया हमने दिमाग, हमें तो यहां पर सीधा या तो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या तो हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी करना क्या आएगा, आई को किसके साथ करें, कोई है नहीं, जे को किसके साथ करें, जे के साथ है तो आ गया वन, प्लस के को किसके साथ करें, कुछ भी नहीं है तो इसलिए खत्म। अब निकालते हैं ए का मैग्नीट्यूड, कैसे निकालें, रूट में अरे वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, सिर्फ कोफिशियंट देखने हैं यहां पे one. या तो मैं सीधा ही पता था जे का मैग्नीट्यूड वन होता, अगर तुम्हें फॉर्मूला से लगाना लो अभी भी वन आएगा, ठीक है। बचा हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा, कितना आ जाएगा ये, वन इज इक्वल टू नाइन और टू इलेवन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया वन बाय रूट इलेवन, जो भी है ये हमारा आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें कौन सा, उसने कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ थीटा की, ठीक है। एक और नोटेशन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, आगे जाके तुम मैथमेटिक्स में अपनी सीखोगे, अगर तुमसे थीटा पूछा होता ना तो ऐसे लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय रूट इलेवन। अभी के लिए बस नोटेशन याद रख लो, मैथ में सीखोगे तो, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज तक हमें थीटा पता होता था हम साइड्स निकालते थे, अब साइड्स पता होंगी थीटा निकालना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपने काम की भी नहीं है, ठीक है। हमें तो सिर्फ ऐसे है कि यहां पे कॉस थीटा दिया होता, ठीक है, और यहां पे वैल्यू दी होती रूट थ्री बाय टू। मैं क्या करता हूं, मैं तो ये करता हूं कॉस थीटा लिखा, रूट थ्री बाय टू कब होता है 30. ये होता है 30 पे कॉस पाई बाय 6, मैं तो कॉस से कॉस उड़ा देता हूं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं बेटा, मैथ वाले तो मारेंगे इस बात पे, मैथ वाले तो ये कहते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, थीटा आएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू और 5000 वैल्यूज होते हैं जिसपे आ सकता थीटा। हमें क्या जरूरत, हमें तो सीधा सीधा, हम तो यूज ही नहीं करते आगे जाके थीटा, हम तो जीरो से 360 याद रखते, बात खत्म, हमारे पे इतना यूज है इसका, ठीक है। तो ऐसा ये होता है हमारे पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जितना सीखा है अभी सीख के भूल जाना, काम का नहीं अपने, ठीक है। तो यहां तक हमें बात समझ आ गई, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा इंपॉर्टेंट, सेकंड एप्लीकेशन हम पे है कि टू प्रूव इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अभी इसमें क्यों यूज हो गए बता सकता कोई, इसमें कैसे फायदेमंद होगा डॉट प्रोडक्ट। अगर मुझे दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट किस बात का यूज का हुआ, डॉट प्रोडक्ट लिखो ए डॉट बी
अगर मैं ये जीरो के इक्वल प्रूव कर दूं, इसका मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों कहा तुमने? कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 जीरो। आज के बाद मैंने रूल बना दिया, जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो कर दूं तो वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बात आ गई समझ हमें? जैसे जे डॉट के क्या होता है? जीरो। क्यों? परपेंडिकुलर होते हैं। मेरे को तो मजा नहीं आया, फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे तब आएगा समझ, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन लेंगे, आराम से समझना बैठ के तसल्ली से, जितना समझ आए उतना एक्सेप्ट कर लेंगे उसे। आराम से देखते हैं। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन लेते हैं जो कि है हमारे पास, क्या याद है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता था? एक किसी भी पत्थर को फेंक दो तो वो एक पैराबोलिक पाथ लेता है, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ध्यान से समझना आराम से। मान लो एक पार्टिकल है u velocity उसके पास, एट एन एंगल थीटा में मैंने उसे फेंक दिया, कैसा पाथ लेगा? स्ट्रेट या कर्व्ड? कर्व्ड। और वो भी कर्व भी कैसे होगी? पैराबोला। अब मैं तुमसे पूछूंगा सिर्फ, यहां पे u है, इधर cos थीटा, बेटा जल्दी जल्दी बताना है, इधर u sin थीटा। इसका अगर कर्व्ड पाथ ऐसे है तो ये वेलोसिटी हमेशा इस पे कैसे रहती है? टेंजेंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट। बात समझ आ रही है? हर पॉइंट पे टेंजेंट। तो मैं पहला जब मैं पूरा कराऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन तब तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? ये जो वेलोसिटीज होती है ना, पूरा सिलेबस निकल जाएगा लेकिन तुम्हें एक वर्ड नहीं सुनने को मिलेगा, एंड में कभी बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। दो तरह मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा मेन पढ़ेंगे, दो तरह की हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अंदर लगने वाली। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, हमें तो एक क्वेश्चन समझना है। मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें अभी लिखवाऊंगा अभी लैंग्वेज में, फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी थी यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं ऐसी, मान लो एक इंस्टेंट पे जाके अभी वेलोसिटी है कुछ ऐसी, क्या कभी ना कभी पार्टिकल यहां पे भी आएगा? क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ध्यान से समझना बस। एक पार्टिकल अभी हमारे पास वेलोसिटी है ये भी, एक इंस्टेंट ऐसा जरूर आएगा जब इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी ऐसी, सच दैट जब मैं इस वेक्टर को पीछे करूंगा तो ये कैसा बन जाएगा? 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। बताओ उस पर कितने टाइम बाद पहुंच जाएगा? मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर कब हो जाएंगे? क्या जरूरी है यहां पे भी यू ही वेलोसिटी हो? कुछ और भी तो हो सकती है, मान लेते हैं वी। क्वेश्चन लिखवाता हूं फिर आराम से एक और बार समझेंगे इसको। लिखे अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, अब क्वेश्चन आराम से लिखते हैं फिर इसमें। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी, यू एट एन एंगल थीटा। फाइंड टाइम आफ्टर विच फाइंड टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन एट विच द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी अगर इसका अभी कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आए हमें तो जो मैं बताऊंगा ना बस वहां से समझ आना चाहिए, इसमें मेरी मेहनत लगने देना, सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझो। पहले वेलोसिटी ऐसे थी, कुछ ना कुछ टाइम के बाद जरूर ऐसे हो जाएगी सच दैट इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। बस मेरे को बताना है कि वो कितने टाइम के बाद आएगी, वो कहानी टाइम बताना है उनको। तो इसके लिए हम अप्रोच क्या लगाने वाले हैं, पहले इस पॉइंट पे अगर मैं लिखना चाहूं टोटल वेलोसिटी तो कैसे लिखूंगा वेलोसिटी को? मतलब ये यू को लिखूंगा कैसे? ये जो यू है मेरे पास इसको लिखूंगा कैसे? ध्यान से देखिए, हमने कल सारी चीजें सीख ली। अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाहता हूं तो पहला पार्ट क्या आएगा? यू कॉस थीटा, जो कि किसकी डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस की, और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, प्लस ऊपर कितना दिख रहा हमें? यू साइन थीटा, लेकिन वो किसकी डायरेक्शन में है? जे कैप। तो हमने लिख दी पहले तो वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया जिसका एक कंपोनेंट है इधर की साइड, एक कंपोनेंट है ऊपर की साइड। फायदा क्या हुआ है ना?
फायदा क्या हुआ, अच्छा खासा तो पढ़ा हुआ था यू, हमें उसे दो पार्ट में ब्रेक करने का क्या फायदा हुआ, फायदा हमें ये हुआ कि हमें पता लग गया कि एक तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों के काम अलग अलग है। क्या ये जो मैंने पार्टिकल ऊपर फेंका ये आगे भी जा रहा है एट द सेम टाइम ऊपर भी जा रहा है, दो काम कर रहा है, ऊपर कौन लेके जा रहा होगा यू साइन थीटा, और आगे कौन लेके जा रहा होगा, बात समझ आ गई, इसीलिए तो हमने ब्रेक किया था। मतलब कहीं ना कहीं हम फिजिक्स यूज कर रहे, कहीं ना कहीं हम वो सॉरी वेक्टर यूज कर रहे, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करने का तो फायदा ही हुआ, मैं पता लग गया कि दो तरह की चीजें कर रहा है, एक तो ये ऊपर जा रहा है जो कि यू साइन थीटा का काम है, एक तो ये आगे जा रहा है जो किसका काम है, यू कॉस थीटा का। बात हमें यहां तक समझ आ गई। अच्छा एक और चीज बताओ, इस पॉइंट पे जब ये आ जाएगा, वो तो अभी बाद में आएंगे, यहां पे वेलोसिटी क्या बन जाएगी, एक बात मेरे को बताओ कि क्या यू कॉस थीटा पे ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अगर मैं फाइन ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी, ये मान लो फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहूं इन दी एक्स डायरेक्शन, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है किसी को? यस। u कितना है स्टार्टिंग में, u cos थीटा, अरे x की डायरेक्शन में कितना है, u cos थीटा प्लस में g सॉरी प्लस में ए टी। क्या मुझे बता सकते हो x की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है? इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दिख रही है? क्यों क्यों क्यों? ग्रेविटी ऐसे वर्क करती है, ऐसे करती है, मेरे ख्याल से वो तो वर्टिकली करती थी, है ना, तो इस वाले कंपोनेंट को वो छेड़ेगी नहीं, एक्स डायरेक्ट, इसीलिए तो हमने दो पार्ट में उसको ब्रेक किया है ना। जब भी हम मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं कि अभी ग्रेविटी काम कर रही है या वो कर चुकी है जितना करना था, कर चुकी है बेटा वो, अगर मैं जंप लेके ऊपर से नीचे आऊं तब आएगी ग्रेविटी, तब ग्रेविटी आएगी काम में। इसका मतलब हम यहां से एक और बात सीख गए, कहीं साइड में लिख लेना अपनी नोटबुक में कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर लिख लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बेटा तुम्हें याद मतलब हेल्प करेंगी जाके प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब बेटा ये तो बाद में भी क्या रहा, ये बाद में भी क्या रहा, यू कॉस थीटा ही रहा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आ जाओ दूसरे पे चलते हैं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इस टाइम पे कितनी होगी, होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या कम होगी वेलोसिटी? मेरे हिसाब से होगी, फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए टी, है ना, यू प्लस ए टी, लेकिन यू कितना इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इस बार कितनी, इस बार एक्सेलरेशन कितनी आएगी ऊपर की डायरेक्शन में, जी, मेरे ख्याल से जी नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें आज तक, माइनस जी सिखाया था, कहा था कुछ भी हो जाए जी इज ऑलवेज नेगेटिव, बताई थी मैंने तुम्हें चीज। क्या मैं टोटल फाइनल वेलोसिटी लिख सकता हूं? मुझे आती है, कैसे लिखते हैं, समथिंग इन एक्स डायरेक्शन, इसका दूसरा कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। क्या मैं एक्स वाला निकाल चुका हूं? यू कॉस थीटा, ये चेंज ही नहीं हुआ। दूसरा बताओ वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब क्या करूं, यहां तक तो पहुंच गया, एक और बार समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, यहां तक तो पहुंच गया, अब क्या करूं, कंडीशन क्या थी क्वेश्चन, हमने दोनों वेक्टर निकाल लिए ना, पहला वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, हमने दोनों निकाल लिए, अब क्या करूं, इसने कहा था कि ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाने चाहिए, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, फिर क्या करूं, कोई कंडीशन है परपेंडिकुलर की, हाँ क्या होती है, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें समझ आ गया कि अगर मैं दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या ले लूं, जीरो, तो अपने पे आ जाएगा रिजल्ट, देखते हैं शायद आ ही जाए। और एक बात याद रखना, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था, सिर्फ हमें यू दिया था और थीटा, आंसर में भी यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आया तो आंसर गलत। यू लिखते आ जाओ, क्या आएगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप डॉट, आगे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप इज इक्वल टू जीरो। लो डॉट प्रोडक्ट आता तो मैं आई को आई के साथ तो कितना आ गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जे को जे के साथ यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। देखना कोई मिस्टेक ना हो, जल्दी फटाफट, मेरे हिसाब से सही है, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, u cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा
क्या हुआ, ठीक था। इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज वन। परेशान होने की जरूरत ही नहीं बची, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल यू कॉमन आ रहा है, बचेगा यू माइनस जी टी साइन थीटा। अरे ठीक तो लिख रहा हूं मैं, हाँ क्या यू जीरो हो सकता है? नो सर। अरे यू जीरो होगा, कहानी खत्म, हैंस फ्रूट फैन का ही नहीं पार्टिकल, ये तो नहीं जीरो हो सकता। इसका मतलब है ब्रैकेट जीरो थी, तो इसको जीरो करो, कितना बना अपने पे टाइम, ये बन जाएगा u अपॉन में g साइन थीटा इज इक्वल टू t। आंसर बेटा, ये एक बात बताओ, मेंस का क्वेश्चन कुछ 2000 कुछ में, पता नहीं मेंस का था कि एडवांस का था, सीरियसली थोड़ा सा था ना मुश्किल, है ना। एक और बार समझे, स्टार्टिंग में जब भी मुझे लगे कि दो तरह की चीजें हो रही हैं, दो तरह के मोशन हो रहे हैं, मेरे को कैसे पता लगेगा दो तरह के मोशन हो रहे हैं? जैसे मैंने कल सोचा था ना कि यार पुश इजी होता है पुल इजी होता है, तो मेरे को पता लगा पुल इजी होता है। ऐसा कैसे दिमाग में आया? क्योंकि मेरे को पता लग गया कि एक काम होगा, एक तो ऊपर उठा देगा जब मैं ऐसे खींचूंगा किसी चीज को, और एक आगे खींचने के काम आएगा। मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, बात समझ आ गई। कंपोनेंट में कब ब्रेक करना है, मैंने कल बताया, जब मुझे पता लगे कि एक ही चीज दो काम कर रही है। जैसे मैंने इंक्लाइन प्लेन कराया था, मैंने क्यों लिए एम जी के दो कंपोनेंट, किस वजह से, यहां पे मान लो एन, क्यों लिए मैंने इसके दो कंपोनेंट, मेरे को समझ आया यार एन को अगर कोई बैलेंस नहीं करेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर तो बॉडी अंदर घुस जानी चाहिए या ऊपर चली जानी चाहिए, मतलब एन को कोई बैलेंस भी कर रहा होना चाहिए, लेकिन एक मिनट बॉडी नीचे भी आएगी, ये कौन लाएगा? हमें ये तो पता था कि ग्रेविटी नीचे लाएगी, इसका मतलब ग्रेविटी इस बार दो काम कर रही है, ये वाला और एक ये वाला, दिमाग में आ गया कंपोनेंट, बात समझ आ गई। मैंने तुम्हें कल एक और एग्जांपल कराया था कि मान लो यहां पे एक पेंडुलम पहुंच गया, ठीक है, और यहां पे लग रही है ग्रेविटी mg और यहां पे थी टेंशन। अगर मान लो t को कोई बैलेंस ना करे, पेंडुलम तो अंदर घुस जाना चाहिए था, है ना, टेंशन फोर्स तो अंदर लग रहा है, पेंडुलम अंदर भी नहीं घुसा, क्यों, कोई बैलेंस करके बैठे हुए, लेकिन एट द सेम टाइम पेंडुलम नीचे भी आ रहा है, ये दो काम कौन कर रहा है? दिमाग लगा कि और कोई फोर्स भी नहीं है, इसका मतलब ग्रेविटी दो काम कर रही है। तो हमने देख लिया ग्रेविटी का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा इसको। तो दिमाग में थोड़ी थोड़ी पिक्चर आ रही है कि कब सॉरी कैसे पता लगेगा कि कंपोनेंट में ब्रेक करना है। और भी बहुत सारे बताए थे शायद एग्जांपल, है ना, कोनिकल पेंडुलम भी बताया था जिसमें टेंशन को ब्रेक करते हैं, ये तो पता लग गया कि कंपोनेंट में क्यों ब्रेक करना है जब कोई दो काम कर रहा हो चीज। क्या तुम्हें ये भी बताया था कि किसको ब्रेक करना है, ये भी मैंने बताया था कि जो दो काम कर रहा हो उसको ब्रेक कर लो। क्या जरूरी है सिर्फ mg ही ब्रेक हो गए, कभी कभी टेंशन भी होता है। कल मैंने ये भी एग्जांपल कराया था शायद कोनिकल पेंडुलम, उसमें बताया था टेंशन के दो कंपोनेंट लेते हैं, बात समझ में आ गई। तो इसको एक और बार समझते हैं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास भी थी, मेरे को दिमाग में आया कि यार ये तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये ऊपर जा रहा है और एक ही आगे जा रहा है, दो काम हो रहे हैं, और ये दो काम कर कौन रहा होगा, और कुछ तो दिख रहा, वेलोसिटी दिख रही, जो है उसे पकड़ के कर दो उसके कंपोनेंट, ठीक है। एक हमारे पास यू यहां था, एक मेरे पास यहां कंपोनेंट आया, एक यहां कंपोनेंट आया, और दिमाग लगाया, पता लगा ये जो ये वाला कंपोनेंट है ये पक्का इसको आगे लेके जा रहा होगा, और जो चीज इस डायरेक्शन में आ रही है इस बात से पता लग गई हमें कि हॉरिजॉन्टल वाली चीज ग्रेविटी से कभी भी अफेक्ट नहीं होती, और एक चीज ऊपर जा रही, ऊपर वाली में तो ग्रेविटी आ जाती है, जब भी वर्टिकल मोशन होता है तो ग्रेविटी आएगी आएगी। मैंने कहा इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं, लिखना आता हमें, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते थे कि एक्स वाला कंपोनेंट आई कैप, वाई वाला कंपोनेंट जे कैप। अरे आज तक ये वो देखो वो यही तो लिख रहे इतनी देर से हम, है ना। फिर मैंने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी तो पता लग गई, ये तो हमने कोई तीर नहीं मारा, फाइनल लिख के बताएं तब तो मजा है। फाइनल भी मैंने लिखने की ट्राई की, मेरे को पता लगा चाहे मैं यहां पे हूं, यहां पे हूं, यहां पे हूं, यहां पे कहीं पे भी हूं, क्या चेंज नहीं होगा, एक्स का कंपोनेंट, क्यों, अरे एक्स के कंपोनेंट को ग्रेविटी अफेक्ट ही नहीं कर रही, जितना यहां था उतना यहां है, कम तो तब होता जब कोई एक्सेलरेशन होती, तो अभी फिलहाल के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको यहां पे भी क्या लिख दिया, यू कॉस थीटा। लेकिन वाई के डायरेक्शन में दिक्कत आ गई, क्यों, वाई के डायरेक्शन में तो ग्रेविटी भी होती है, ये ऊपर जाता 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 क्या एक टाइम आएगा जीरो, फिर तभी तो नीचे आएगा। अगर किसी मार्कर को ऊपर फेंको नीचे कब आता है, जब वेलोसिटी जीरो, अरे वरना तो ऊपर ही जाता रहता, इसका मतलब यहां पे ग्रेविटी आ गई, तो इसलिए मैंने लिखा माइनस जीटी। अब कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए लिखना वेलोसिटी, कैसे लिखते हैं वेलोसिटी, जैसे ऊपर लिखी एक्स का कंपोनेंट
और x के लिए डायरेक्शन i कैप, y का कंपोनेंट j कैप, लेकिन मेरा फिर दिमाग घूमा, अब क्या करूं? फिर मैंने सोचा कि शायद क्वेश्चन में कुछ लिखा हो, हमारी हेल्प करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को पता लगा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं ऐसी कंडीशन जिसमें ये दोनों क्या हो जाए परपेंडिकुलर। क्या वेलोसिटी इज अ परपेंडिकुलर क्वांटिटी? क्या वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? Yes. अगर वो वेक्टर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। मैंने बताई एप्लीकेशन, वो देखो सेकंड नंबर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, बाकी काम तो अपना हम पहले सीख चुके हैं, डी आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन करेंगे, अगर तुम्हें अभी फिजिक्स नहीं भी समझ आई यहाँ की, मैथमेटिक्स से काम चला लो। ये तो समझ आया ना पार्ट, हमें तो ये सीखना था अभी फिलहाल के लिए। ऐसे तो कल मैंने तुम्हें मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो पता नहीं क्या सिखा दिया था। अरे अभी सीखने नहीं, अभी हमें तो मैथमेटिक्स सीखनी है। वो याद है वो ऐसे सर्कल से बना दिए थे पता नहीं क्या, यहाँ पे चार ऐसे। अरे उतने डीप नहीं जाना अभी, राइट हैंड रूल लिए वो। आई होप कि यहाँ तक चीजें थोड़ी थोड़ी सी समझ आई हो, थोड़ी भी आ गई तो अपने में काफी। अभी नेक्स्ट लिखेंगे टू फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन अनदर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। कुछ लिखना है यहाँ पे? नोट कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। चलो जब जिसे बोलते कट करते हो दो सेकंड में कट करते। चलो आ जाओ, हाँ बनना चाहिए ऐसा है ना। चलो आ जाओ डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। बेटा ये थोड़ा सा अच्छा लेवल की चीज है तो ध्यान से समझेंगे फिर आराम से लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, मान लो एक मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर है बी वेक्टर, बताओ इसकी शैडो कितनी आएगी? ये एंगल थीटा, ये है बी, शैडो बताओ जल्दी, बी कॉस थीटा। अगर मुझे ये शैडो लिखनी है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कैसे लिखूं? तो एक काम करते हैं, शैडो को ना मान लेते हैं एस वेक्टर। एस क्या है? शैडो वेक्टर, खुद से बनाया मैंने आज ही तुम्हारे सामने बिल्कुल। कैसे लिखते हैं किसी भी वेक्टर को? वेक्टर को लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में उसकी डायरेक्शन, ये तो हमें पता था। लेकिन ये जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए? ए वेक्टर की, है ना। और ए की डायरेक्शन कैसे लिखूं? ए कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूं ये शैडो का? बी कॉस थीटा। बेटा ध्यान से देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूं। पहला रिजल्ट हमें समझ आ गया, अच्छा समझ आया नहीं लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कैसे लिखा है मैंने, इसका इधर कंपोनेंट आया बी कॉस थीटा, डायरेक्शन किसकी यूज कर लो? ए के, उसकी डायरेक्शन में तो निकाला। तो कभी भी हमें एक वेक्टर दूसरे की डायरेक्शन में चाहिए तो ऐसे लिखते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब मैं तुम्हें कराऊंगा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ट्वेल्थ क्लास में, तो तब हम ये चीजें यूज करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको ना मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, तब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा ए कैप अपॉन में ए, कोई फर्क पड़ा? नहीं सर। अरे ठीक तो है, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड। क्या ए बी कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख लू ए डॉट बी अपॉन में ए? अरे ऐसे लिख तो सकता हूं, yes, है ना। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए डॉट बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर। ये कहां से लिया हमने? ये कहां से लिखा बेटा? सारे रिजल्ट अपने दिमाग में रख लेना, कभी ना कभी एक आधा तो घुसा ही देंगे कहीं ना कहीं। दिस इज कॉल्ड शैडो वेक्टर, आज ही बैठ के तुम्हारे सामने बनाया। ना, मैंने वो कैप को वेक्टर में चेंज किया। कैसे किया? तुम्हें याद है ए कैप का फॉर्मूला क्या होता था? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शैडो वेक्टर। सिर्फ ए वेक्टर का भी इसको क्या हुआ? ए वेक्टर भी नहीं, नहीं 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 नहीं। एक चीज बताओ, अब तुम कहोगे ए इंटू ए स्क्वायर, मैंने पहले बताया था जिस चीज का पता नहीं उसमें घुसना नहीं। ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है, पता है? स्केलर इनटू वेक्टर, तो वेक्टर होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये तो एक नंबर है, है ना। ये तो एक नंबर आ गया, ये स्केलर, लेकिन ये तो वेक्टर, है ना। और यहाँ पे भी वेक्टर था, यहाँ पे भी वेक्टर था, इक्वेशन तो हमारी सही है। अब तुम कहोगे लेकिन यहाँ पे वेक्टर, वेक्टर वेक्टर का तो स्केलर आना चाहिए था आंसर। कंफ्यूज या समझ आ गया? यहाँ पे वेक्टर, तो यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आना चाहिए था? स्केलर। लेकिन इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पर डॉट प्रोडक्ट? नो सर। तो फिर ये चीज है स्केलर, ये चीज है स्केलर, और स्केलर को मल्टीप्लाई करो वेक्टर से तो क्या बनता है? वेक्टर। और इधर भी वेक्टर ही पड़ा हो,
मैं तो कह रहा लास्ट, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद कर लो बस, बाकी तुम खुद से डिराइव कर लेना, थोड़ा दिमाग तो यूज हो। मैंने तुम्हें करके तो दिखा दी एक बार, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये वाला यूज कर लो। और मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा एक भी याद मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना समझ आ गया ना कि प्रोजेक्शन क्या होती है। ये प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होती है, इसका इधर कंपोनेंट, अगर मैं ऊपर से लाइट मारूं तो कितनी शैडो बनेगी, बी कॉस थीटा जितनी। बी कॉस थीटा लेना किसकी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, बात खत्म। मैंने फॉर्मूला नहीं याद किया, अरे मैं घर से डट के थोड़ी आया था, मैं तो टॉपिक का नाम देखा और फटाफट चिपका दिया, बात समझ में आ गई, क्योंकि मेरे को बेसिक पता है कि ऊपर से लाइट डाली, अच्छा इसकी शैडो इतनी बनेगी, इसकी डायरेक्शन लेनी है, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, बाकी तो अपना काम नहीं। बात समझ आ गई यहां तक। एक काम करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अपना थोड़ा सॉलिड हो जाए काम। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, अब द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, मैं लिखता हूं तब तक तुम इसे नोट कर लो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पैरेलल टू वेक्टर दिस, खुद से समझ के एक बार ट्राई करना, इन वेक्टर फॉर्म इज चलो आ जाओ करेंगे इसे। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारे पास क्या क्या हुआ, एक वेलोसिटी है जो हमें ये दे रखी है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी मान लो कुछ ऐसे दे रखी है, ऐसी रैंडमली मान ली मैंने मेरी मर्जी, और ए वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा, मेरे को थोड़ी पता है कि इसमें कितना एंगल है, मान लेते थीटा, ठीक है। इसने क्या कहा हुआ है, जरूरी है ये इसके पैरेलल ही होगा, नहीं किसी भी एंगल थीटा पे हो सकता है, तो इसका यहां पे कंपोनेंट कितना आएगा, वी कॉस थीटा, अभी अभी हमने किया था वी कॉस थीटा, ठीक है। इसके पैरेलल कैसे लेके आऊं इसे, मेरे को तो थीटा भी नहीं पता, किसी ना किसी तरह से ना मेरे को थीटा हटाना, क्या करूं। तो मेरे को पता लगा कि एक कंपोनेंट मान लेते हैं, जैसे वो शैडो वेक्टर माना था ना, यहां पे मान लेते हैं ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल को पी लिख दें क्या, तो याद आएगा वी कॉस थीटा, और डायरेक्शन किसकी यूज कर लूं, एक ही। क्या समझ आया है ये कैसे किया मैंने, वी का कंपोनेंट ले लिया एक ही तरफ और डायरेक्शन यूज कर ली एक ही, क्यों क्योंकि क्यों ऐसा क्यों किया, इसने कहा था पार्टिकल जहां भी जा रहा हो मेरे को उसको उसका कहां पे लेना है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पैरेलल टू द वेक्टर दिस, इस वेक्टर के पैरेलल लेना, पैरेलल के लिए वी कॉस थीटा लिया और डायरेक्शन यूज कर ली ए कैप। तो अब आते हैं हमारे पास, मेरे को इसको तो सॉल्व करना आता नहीं, तो एक काम करते हैं वी ए कॉस थीटा अपॉन में ए, ठीक है। और मेरे को पता है ऊपर बन गया वी डॉट ए, तुम कह सकते हो कि आपने वी डॉट ए लिखा, ए डॉट वी भी तो लिख सकते हो बेटा, सेम चीज। अपॉन में क्या लिखा, ए इंटू में ए कैप, इसको थोड़ा वेक्टर में चेंज करें तो ये बन जाएगा v डॉट a और a स्क्वायर a वेक्टर, बस अब तो वैल्यू पटक दो इसके बीच में, क्या आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट लेने वाला हूं, वहां से आएगा दो, यहां से आएगा एक, तो दो माइनस थ्री प्लस चार, खुद देखते रहना कैसे किया। अपॉन में इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर, और साथ में ये भी लगा दो i कैप j कैप k कैप, वही सही तो कर रहा हूं मैं, तो ये बन गया माइनस का एक तीन, तीन से तीन गया, मेरे तो यही आंसर आ रहा है, वही तो सर i प्लस j प्लस k, पता नहीं क्यों मेरा तो आ रहा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यस सर हमने a a 1 a वेक्टर लिख दिया था, क्या चीज क्या चीज, 1 a वेक्टर लिख दिया सर उस, अच्छा मेरा वेक्टर तो हट जाएगा ना डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद। तो आई रियली होप कि तुम्हें यहां तक बात समझ आ गई, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। मैंने तुम्हें थोड़े टाइम बाद जाके जब हम 12th क्लास में आएंगे तो हमें पता लगेगा एक चीज होती है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज से ना कुछ कुछ चीज बाहर निकलती है, जैसे मान लो एक चार्ज है वो पानी बाहर फेंक रहा है, अभी के लिए तो पानी बाहर, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मेलजोल है, फॉर्मूले उनके बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ ग्रेविटी आती है मास की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड आती है चार्ज की वजह से। कल मैंने फॉर्मूले भी शायद बताए थे ना, फॉर्मूला भी एकदम ऐसे जैसे
चोरी कर लिया और दूसरे का फॉर्मूला जी की जगह के आ गया, मास की जगह चार्ज आ गया। ये दिया था कूलम ने, ये दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने तो बहुत पहले दे दिया था। हाँ तो वापिस आते हैं, मान लो ये एक चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ चार्ज से ना बाहर जा रही है फील्ड कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ कुछ बाहर जा रही है, ध्यान से देखते रहना 2 मिनट के लिए बस। यहां से चार्ज से फील्ड कहां जा रही है, बाहर। अब यहां से फील्ड बाहर जा रही थी, और मान लेते हैं अभी मैंने तुम्हें बताया क्या एरिया वेक्टर क्या होता है, ऐसा कुछ तो नहीं बताया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक काम करते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के बाद लेते हैं एग्जाम्पल को, इसकी जगह मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बाद लेते हैं एग्जाम्पल। एक काम करते हैं, वर्क डन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं खुद से बनाता हूं ओनली, साथ के साथ जवाब देंगे और इसमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हमारे पास एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, मान लेते हैं 2i cap - 3j cap + 4k cap, और इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है 3 dimensions में, क्या हुई है डिस्प्लेसमेंट, i cap - j cap, बस इतनी, फोर्स इतना लगा और डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई। वर्क डन बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको करने के दो मेथड, अगर एंगल पता होता तो क्या यूज करता, एफ एस कोस थीटा, एंगल पता नहीं तो फिर सिंपल से करते हैं, लो डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहला आ जाएगा 2i cap - 3j cap, दिस प्लस 3 0, आंसर आ गया 5, और जूल इसके यूनिट होते हैं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ, ये तो इजी था क्वेश्चन। थोड़ा और चले ऊपर, एक काम करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर ये रहा, r1 वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा i cap + j cap - k cap, और एक पोजीशन वेक्टर तुम्हें यहां पे दे रखा r2 i cap - 3j cap + 4k cap। तुम देख पा रहे होंगे मैं कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले रहा हूं अपनी मर्जी से, ठीक है। यहां पे मान लो वही एक्सिस अपनी पुरानी, ये एक वेक्टर दे रखा, ये एक वेक्टर दे रखा, और इस पे फोर्स कुछ लग रहा है i cap - j cap + 4k cap, फाइंड दी वर्क डन। दिक्कत आ गई, फाइंड दी वर्क डन, मैं बता रहा इस वाले से ज्यादा इजी वो क्वेश्चन है। सर पहले तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लूं, पहले उसका लोग वेक्टर कर दे, याद करो k - p, याद आया कुछ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 - r1, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास आता था r2 - r1, बेटा ये तो कभी भूलना भी ना जिंदगी में, k - p, और जो भी आएगा माइनस करके उसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, एफ के साथ, आंसर। मैं ओरली होएंगे ये क्वेश्चन, कोई टफ था इसमें कुछ, जब मैं वर्क डन वाला चैप्टर कराऊंगा ना वर्क पावर एनर्जी, सबसे पहला क्वेश्चन सेम कराऊंगा, बिल्कुल सेम, डिटो हमने आज ही सीख लिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें आता था, हमने निकाल ली कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फोर्स के साथ लेंगे डॉट प्रोडक्ट और आंसर, और हमारा आ जाएगा आंसर। एक और हमारे पास एप्लीकेशन इसकी आती है, लास्ट एप्लीकेशन, टू डिफाइन न्यू क्वांटिटीज, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं न्यू क्वांटिटीज बनाने के लिए। जैसे फोर्स पहली था हमारे पास, है ना, डिस्प्लेसमेंट पहली थी, मेरे को एक न्यू क्वांटिटी बनानी है जिसका नाम है वर्क, तो मैंने कैसे डिफाइन किया उस वर्क को, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने एक न्यू क्वांटिटी बना ली, वो जो इन टू डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं उसको कैसे लिखूं, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। तो एक का कंपोनेंट ले रहे हैं दूसरे की डायरेक्शन में, तो हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये मेरे ख्याल से फोर्थ एप्लीकेशन है, टू डिफाइन न्यू क्वांटिटीज। इन इन जगहों पे हम इसका यूज कर सकते हैं, सबसे पहली हमने डिफाइन की हुई है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या करूं कि मेरे को फोर्स का एक कंपोनेंट लेना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एस, कोई है मेरे पास टूल, डॉट प्रोडक्ट, मैं टूल पूछ रहा हूं कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। मेरे को एक चीज डिफाइन करनी है जिसका नाम है वर्क, हमारे पास हो गया, और हमारे पास और भी क्वांटिटीज हैं। जैसे मेरे को डिफाइन करना पावर, पावर डिफाइन करनी है मेरे पास होता है F into V, नहीं भी याद कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक चीज डिफाइन करनी थी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रही है लेकिन फोर्स ऐसे लग रहा है, मैं नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा हूं कि फोर्स आ जाए इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, क्या यूज करूं, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना कोई टूल, डॉट प्रोडक्ट, एक और डिफाइन कर दी, दिस इज कॉल्ड पावर। अभी तुम्हें एक और चीज बताता हूं, शायद तुम्हें अभी ना समझ आए लेकिन ये होती है, दिस इज कॉल्ड E.A, अभी मैं इतनी देर ये भी एग्जांपल मैं यही वाला लेने लगा था, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
लिख दिया छोड़ दो, लिख दिया छोड़ दो, मतलब समझ आया ई ए कोस थीटा, ठीक है, ई ए कोस थीटा, एफ वी कोस थीटा, डी एस कोस थीटा, क्या ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कि जब भी हमारे पास फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लिया और हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन कर दी, कौन सी डिफाइन कर दी हमने, वर्क डन, बात समझ आ गई, दिस इज दी अनदर एप्लीकेशन, डाउट, तो हम ऐसे खुद से भी बना सकते घर पे बैठ के, तुम ले आओ कल को, लो मैं अभी बना देता हूं एक क्वांटिटी, मैंने बना दिया डायरेक्शन ऑफ शीला इन द डायरेक्शन ऑफ रम्मू, मैंने खुद से बना दी कंपोनेंट ऑफ शीला इन द डायरेक्शन ऑफ रम्मू, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, पहले बता दिए, दैट इज कॉल्ड राजन, आज ही बना दी क्वांटिटी, लेकिन फिर ये सारे मानेंगे नहीं, है ना, तो बस ऐसे ही कुछ, हम ऐसे ही कुछ इन्होंने भी किया था, स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या, अबे प्रेशर की, हाँ प्रेशर बहुत बढ़िया याद दिला, नहीं एक चीज मैंने तुम्हें डिफाइन कराई थी जिसका नाम था करंट डेंसिटी, याद करो, करंट डेंसिटी मैंने पंगा पढ़ रहा था, क्या था वो पंगा, पंगा ये था हमारे पास कि करंट डेंसिटी होती थी करंट अपॉन एरिया, लेकिन दिक्कत आ गई है, करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, अरे करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, करंट क्या होता है, लेकिन डिवीजन तो डिफाइन ही नहीं, ये क्या हो रहा था, या तो दिक्कत आ रही थी, इसका मतलब हम लिख गलत रहे हैं इसको, एक्चुअल में ये ऐसे होना चाहिए था, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, स्केलर, तो स्केलर ही तो आ रहा है, मतलब ठीक, ये सही, ये सही, नीचे वाला, नीचे वाला, अब आ रही थोड़ी थोड़ी समझ, yes. तो देखो डॉट प्रोडक्ट यूज हो गया, एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन कर दी, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ऐसे डिफाइन हुई, वरना तो इसका मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा था हमें, है ना, प्रेशर याद है, प्रेशर क्या होता था, प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स, लो मैंने यहाँ पे एक वो बना दिया सरफेस, ये इस पे फोर्स लग रहा है और ये इस पे लग रहा है थीटा, पहले दिन भी ये कराया था, याद है, यहाँ पे लिखते हैं एफ का इधर कितना आता है, और यहाँ कितना आता है, लेकिन हमने रट पता क्या आपका होता है यहाँ पे हमेशा एफ कोस थीटा, अबे बेटा एफ कोस थीटा होएगा इसमें प्रेशर का साइन होएगा, कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, बात समझ में आ गई, लेकिन एक दिक्कत तो और होती है जो बच्चे यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, पता क्या, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में हम ये चीजें ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए आज ही समझा देता हूं, मान लो एक बॉक्स है जिसमें फोर्स लग रहा है ऐसे, इसका हमने मान लो ये थीटा मैंने दिया हुआ तुम्हें यहां पे, तो ये जो मैंने एफ का यहां पे कंपोनेंट लिया एफ कोस थीटा, इसका एरो कैसे बना, ऊपर या नीचे, अरे नीचे ही तो लगेगा, कंपोनेंट लेने के बाद ऊपर थोड़ी चला जाएगा, नीचे ही लगेगा, यहां पे एरो में गलती कर देते हैं बच्चे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, छोटा सा एग्जांपल, इसके बाद क्रॉस पे चलते हैं जल्दी जल्दी, ये हमारे पास फोर्स लग रहा था एफ, ये मेरे को एंगल दिया हुआ थीटा, यहाँ पे बताओ कितना, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ साइन थीटा, और नीचे कितना फोर्स लगता है, एम जी, मान लो ये किसी चीज पे पड़ा हुआ ऊपर, नॉर्मल, क्या बैलेंस कर सकते हैं, इक्वेशंस को थोड़ा गंदा सा बना दिया मैंने, बट बैलेंस कर सकते हैं, अगर मैं वैसे सोचता जैसे मैं आज तक सोचना चाह रहा था तो इसको मैं उल्टा करके बना देता, मिस्टेक हो जाती, अब कैसे लिखूंगा मैं इसे, n इज इक्वल टू एम जी प्लस में f cos थीटा, वरना मैं पता क्या लिख के आता, n प्लस में f cos थीटा इज इक्वल टू mg, अरे क्यों, एरो की डायरेक्शन तो नीचे, नीचे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg और दूसरा f cos थीटा, और ऊपर n, दोनों को कर दिया बैलेंस, लेकिन गलत लिख के आता, सोचो अगर मेरे को एरो की डायरेक्शन ही ना पता होती तो, एरो की डायरेक्शन बड़ी जरूरी है, यहाँ पे हम एक और बात सीख गए आज, कोई दिक्कत, कोई पंगा यहाँ तक, क्या ये वाला, जब भी हमारे पास यहाँ पे है ना, देखो एरो यहाँ पे है, इधर की डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, तो जब तुम इसका कंपोनेंट लोगे ऐसे समझो कि एरो कोई शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे मैं बताता हूँ, मेरा मार्कर यहाँ पे, मार्कर को यहाँ लेके जाऊंगा, ये ब्लैक वाला पार्ट ऊपर हो गया या नीचे ही है, नीचे ही है, बात खत्म, ऐसे याद रखो, अगर मैं इधर कंपोनेंट लूंगा अब कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, आगे की तरफ, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसका आगे की तरफ, तो ये आगे इसकी डायरेक्शन, यहां तक कोई दिक्कत, हाँ, तो ऐसे इसको बैलेंस करते हैं हम, तो इसके बाद हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, चलो आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं, देखो कुछ नोट करने का है तो,
चलो वापिस आते हैं। अब अपना आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट अपना लास्ट पड़ाव आ गया इस पे, ठीक है। ये अपने पे यूज होगा जब भी रोटेशन वाली चीज आएंगे। मैंने तुम्हारा दिमाग एक बार खराब कर चुका हूं, याद है वो ऐसे कुछ बताया था एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर में कुछ कहा था कि यहां पे मान लो एक थीटा है, ऐसे चला पाई बाय थ्री, तो ये पाई बाय थ्री को शो कैसे करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से ऊपर, और ऊपर के लिए ऐसे शो करते हैं पाई बाय थ्री एन कैप। ये एन कैप क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब पता है किसी को? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जनरली हम इसको नॉर्मल वेक्टर भी कह देते हैं। याद है मैंने तुम्हें बताया था एक को संभाल के रख लेते, कभी यूज कर लेंगे एक वेक्टर को, वो यही है, आज आ गया यूज अपने, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है। बुक में देखोगे लिखा होगा ए बी साइन थीटा, खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म। अरे क्यों? हमने डॉट प्रोडक्ट यूज कर लिया ए बी कॉस थीटा, रीजन देखा था, क्यों था रीजन, क्या था इसका रीजन, क्यों ए बी कॉस थीटा और कुछ क्यों नहीं? क्योंकि बेटा प्रोजेक्शन ही ए बी कॉस थीटा बनती थी। जब भी मैं किसी चीज का, कोई चीज टेढ़ी पड़ी हुई है, मैं उसकी प्रोजेक्शन देखना चाह रहा था, तो उसकी प्रोजेक्शन कैसे आती थी? बी कॉस थीटा, है ना। ऐसे ही हमारे पास कहीं ना कहीं ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? एरिया की होती है। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या। जैसे मान लो एक वेक्टर ये रहा, ध्यान से देखना, बहुत इजी, आज पता लगेगा तुम्हें क्यों ये हम इसमें ए बी साइन थीटा लिखते हैं। एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, कोई दिक्कत? इसका इधर कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट ए साइन थीटा, कोई यहां तक दिक्कत तुम्हें? अगर मान लो मैं यहां से एक ट्रायंगल बना लूं, ये कितना आएगा टोटल? बी, अरे तो बी है, बी का मैग्नीट्यूड बी, ये भी दिक्कत थी? नहीं सर, ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन देखा बेटा, ये कितना है बी और ये कितना है ए साइन थीटा। मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ फटाफट, हाफ इनटू बेस इनटू हाफ इनटू ए बी साइन थीटा। बेटा कहीं ना कहीं ये चीज को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो एरिया में आ रही है चीज, है ना। तो इस चीज मतलब एरिया के साथ कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का लेना देना सा लग रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस क्या होती है? एरिया, बात समझ आ गई। और वैसे तो बुक में लिखा हुआ देखोगे कि हमारे पास बुक में लिखा हुआ देखोगे तुम कि क्रॉस प्रोडक्ट इज ए बी साइन थीटा एन कैप, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। अच्छा यहाँ पे भी मैंने तुम्हें ट्राइंगल बना के दिखाया, ट्राइंगल की जगह अगर हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं, यहाँ पे बी को यहाँ शिफ्ट किया ऐसे आ जाता है, याद है हमने पैरेललोग्राम लो किया था, ये भी ए साइन थीटा, ये भी, ये कितना आ जाएगा बी बी, इसमें ये कंफ्यूज होता है कि ए कॉस थीटा और बी में क्या, कॉस थीटा तो यहाँ आ जाता है, ये पूरा तो बी है। अब इसका कितना एरिया आएगा इसका रेक्टेंगल का? इसका आएगा ए बी साइन थीटा, वही तो है क्रॉस प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसकी एरिया वाली सिग्निफिकेंस आ रही है हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है तो? No. एरिया की सिग्निफिकेंस आ रही है हमारे पास। हाँ ये है कि लेवल जहां से उसका कंपोनेंट ए साइन थीटा, बेटा ये ए था ये बी था, ये ए का इधर कंपोनेंट आता है ए कॉस थीटा, इधर आता है ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा क्यों नहीं लिया? ए कॉस थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं एरिया देखना चाह रहा था इस बार, इसका इस बार मैं शैडो नहीं देख रहा, काम ही अलग कर रहा हूं, है ना। इस पहले मैं काम ही कुछ और कर रहा था, मैं प्रोजेक्शन देखना चाह रहा था, तो मैंने एक कॉस थीटा लिया क्योंकि प्रोजेक्शन वही आ रही थी। इस बार मैंने प्रोजेक्शन की कोई बात ही नहीं की, इस बार मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये ले लिया, कोई दिक्कत आया था? सर हाफ नहीं आता सर, बी कहाँ से आया? बेटा इस चीज को सिर्फ डिफाइन कर दिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ इस चीज को, ठीक है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, क्या 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 बी लिया उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं एक और बार इसको समझने का प्रयास करेंगे कि मान लो हमारे पास ना एक ए वेक्टर यहां पे गिवन है, बी वेक्टर ये रहा, अब खुद से बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ये एंगल थीटा, और मान लो ये मेरे को ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकाल लो? ये साइड दे रखी है बी, ये साइड दे रखी है ए, तो मैं इसका कैसे निकाल लू एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमें तो यही फॉर्मूला पता था, लेकिन कौन सी बेस कौन सी हाइट? बेस तो पता है, हाइट थोड़ी पता है,
हाइट कैसे निकालूं? तो मेरा दिमाग लगा और मुझे पता लगा कि बी का इधर कंपोनेंट कितना आता है, बी कोस थीटा। क्या ये अपने काम का है? नो। ये कितना होता है? बी साइन थीटा। क्या ये अपने काम का? हाँ, ये तो हाइट। अब लिखवाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या दोबारा से वही काम मिल रहा है हमें? ये जो अंदर चीज बनी, इतनी इतनी चीज को मैं क्या कहता हूं? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको लिखने का तरीका देखो, इसको आज से मैं ऐसे लिखा करूंगा, ए क्रॉस बी। बात समझ आ गई? अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना तो क्या करूं? बार याद है मैंने ऐसे बताया था मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, लो आ गया। बात समझ आ गई? लो आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है? एरिया को। यहां से जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो और वेक्टर दियो तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो इसकी जगह पैरेललोग्राम का एरिया लिखना होता तो पैरेललोग्राम का एरिया लिखना और भी ज्यादा आसान है। देखो कैसे लिखते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, है ना। वैसे तो ये हमारे पास मान लो एक पैरेललोग्राम है कुछ ऐसे, ध्यान से देखना क्या है ये। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना होगा? ए वेक्टर। अगर ये बी है तो ऊपर वाला भी बी वेक्टर। फॉर्मूला पता है किसी को पैरेललोग्राम के एरिया का? बेस इनटू हाइट। बेस पता है क्या? बी। बी वेक्टर मत बोल देना, मैं साइड पूछ रहा हूँ, साइड की डायरेक्शन नहीं। कितनी है बी? हाइट पता नहीं। ए साइन थीटा। अगर यहाँ थीटा बना लू तो ये कितना आएगा? ए साइन थीटा। ये आएगा मेरे पास ए साइन थीटा। क्यों नहीं लिया बी कोस, ए कोस थीटा क्यों नहीं लिया? अरे वो तो बी के पैरेलल है, एरिया कहां से आएगा फिर? बेस इनटू का हाइट आ गई ए साइन थीटा। तो इसको डिफाइन करूंगा आज से ए क्रॉस बी। बट मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो लो करो जो करना है इससे। हमने दे दिया हमने मैग्नीट्यूड। हां एन कैप अब आएगा बेटा, अब आएगा एन कैप। तो एक काम करते हैं, हमने ना ए क्रॉस बी तो निकाल दिया। मान लो कभी भी हमें अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, हम क्या करेंगे? मान लो ये ना प्लेन एक शीट है, इस शीट पर दो वेक्टर पड़े हुए, एक ये रहा एक ये रहा। ये है ए वेक्टर और ये हमारे पास है बी वेक्टर और ये इसके बीच में एंगल। तो हमने क्या डिफाइन किया? ये ए क्रॉस बी की ना एक डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? अभी समझ आएगा कि मतलब मैंने डायरेक्शन देने के लिए मेरे को तो एक ही रूल आता, कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने आज से बोल दिया जब मैं ए की तरफ अपने फिंगर करूं और बी की तरफ घुमाऊं तो कहां रहा थंब मेरा? ऊपर। तो जब भी ऊपर की डायरेक्शन हो हमारे पास यूज कर लेंगे एन कैप। तो मैंने डायरेक्शन के लिए एन कैप क्यों यूज किया? क्यों एक न्यू यूनिट वेक्टर लेके आया? सर ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर डायरेक्शन तो ये है बेटा, वो 3D में, मैंने बोला ना 3D में। ऐसे समझ लो मेरे पास एक शीट पड़ी, मतलब ऐसे खड़ी भी है और इसको यू घुमा रहे हो। हाँ 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 हाँ, ऐसे ये शीट है, एक वेक्टर ये रहा एक वेक्टर ये रहा, अपनी फिंगर यहां से यहां करो कहां आएगा? ऊपर। तो लेकिन क्यों जरूरत पड़ी डायरेक्शन की? एक ही तो डायरेक्शन है या दो है? दो है ना, क्यों दो क्यों? अरे ऊपर हो सकते हैं नीचे हो सकते हैं। अब तो तुम लड़ने आ जाओगे मेरे से कल को कि आपने कल ऊपर ली थी आज नीचे। तो हमने आज एक रूल डिफाइन कर दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे यूज करना है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ए पे अपनी फिंगर रखो और बी की तरफ घुमाओ तो कहां आ रही है? ऊपर। ऊपर आ रही है तो हमने आज से बोल दिया ये डायरेक्शन किसकी है? ए क्रॉस बी। नीचे वाली बी क्रॉस। तो नीचे वाली क्या होगी? बी क्रॉस। कैसे पता लगा? बी पे रख के ए पे जाओ, बी पे रखी ए पे जाया नीचे। तो हमने डिफाइन कर दी बी क्रॉस ए। क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए? नो। क्या क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव? नो। बात हमें समझ आ गई, ठीक है। ऐसे ही क्या हमने इसको भी डिफाइन किया था? अरे हमें इनसे क्या लेना देना, हम तो अपनी फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में एक चीज होती है जिसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एल। याद है मैंने कभी बताया भी था, ये मान लो आर है इधर पे, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन बताओ टॉर्क की क्या होगी? आर पे रखो हाथ, आर को थोड़ा और बाहर ले आते हैं। अरे कितना भी ले जाओ अपने घर तक ले जाओ खींच के। आर पे ऐसे बाहर को थोड़ा मैं करने वाला हूं, बाहर को हाथ करो, एफ की तरफ जाओ, कहां है टॉर्क? ऊपर ही तो लिखा पहले, है ना। एक और चीज डिफाइन होती है हमारे पास, जैसे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अपने पे होता है आर क्रॉस पी। अच्छा, पी इज द मोमेंटम। फिर से वही, अब एफ को हटा के पी लिख देता हूं, फिर से डायरेक्शन कहां गई? ऊपर। इसका मतलब बेटा जो हमने एक्सियल वेक्टर यूज किए थे, जो डिफाइन किए थे, कहीं ना कहीं अपने पे काम किया एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो कहां पे डिफाइन करते हैं? एक्सिस पे। क्या थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लिक कर रहा? नहीं कर रहा तो क्लियर बताओ, थोड़ा सा टफ है ये क्रॉस प्रोडक्ट। सर
पक्का समझ आ रहा है? चलो आ जाओ। तो ये हमने दो क्वांटिटीज डिफाइन कर दी। ऐसी बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटी होती है, जैसे हमने एक फोर्स का फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है क्यू वी क्रॉस बी। क्या होता है मैं नहीं पता, क्यू होता है चार्ज, वी होती है वेलोसिटी, और बी कल बताई थी एक मैग्नेटिक फील्ड, याद है? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाल देते कल हम, वो तार का इनफाइनाइट तार बताई थी, ऐसे डॉट लगा देता था, फिर हम सर्कल बनाते थे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बता देता था मैं, याद है कुछ? वही है ये भी। अगर मैं वी क्रॉस बी करूं, मतलब एक पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, ऊपर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है किसी तरह, मतलब यहां पे मान लो पड़ा हुआ है साउथ पोल, यहां पे पड़ा हुआ है नॉर्थ पोल, तुम्हें पता है कहां से कहां मैग्नेटिक फील्ड जाती है? साउथ से नॉर्थ, पता थी ये चीज? नहीं भी पता तो अभी मान लो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही, मतलब ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल यहां जा रहा है, फोर्स कहां लगेगा? मेरे को नहीं पता फोर्स कहां लगेगा, तो निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है? वी की तरफ हाथ रखो, वी की तरफ घुमाओ, फोर्स कहां लगेगा? बेटा पार्टिकल ना ऐसे आ जाएगा बोर्ड के बाहर। सिखाएंगे सारी चीज अपने सिलेबस में, बहुत मजेदार चीज है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, क्या थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लिक कर रही है चीज? तो अपने तो काम का नहीं है अभी, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता रहा था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का आज से फॉर्मूला बन गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? ए बी साइन थीटा। क्या इतना लिखना काफी है या डायरेक्शन बतानी पड़ेगी? एन कैप, ये क्या शो करेगा? एक्सियल वेक्टर है, ठीक है एक्सियल वेक्टर। जब भी मेरे को आज के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखनी होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो लिख दूंगा पाई बाय थ्री, क्या उतना काफी है? डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आज के बाद में तुम्हें कभी भी कह दिया ये डायरेक्शन है एन कैप की, मैंने खुद से डिफाइन किया पाई बाय थ्री एन कैप, क्या समझोगे? ये कैसे घुमाऊं मैं थीटा? एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा टफ होगा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने तुम्हें बोला मैं 60 डिग्री चला एन कैप और कुछ नहीं बताया, मैं कैसे घुमाऊंगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, थंब ऊपर रख लिया पाई बाय थ्री, थंब ऊपर कब आएगा? जब मैं ऐसे फिंगर करूं या ऐसे करूं? ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा माइंड पे, वैसे तो पढ़ेंगे डिटेल में लेकिन तुम्हें सारी सारी चीजों को इकट्ठा करना, थोड़ा थोड़ा तुम्हारे माइंड में मैंने डाल दे बेटा, ये पढ़ेंगे वेक्टर का यूज यहाँ 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 पे। अगर नीचे जा रही होती तो क्या? नीचे जा रही होती, मान लो मैं तुमसे ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या समझोगे? मैं तो सीधा सीधा पहले पता क्या करूं, मैं तो माइनस को हटा दूंगा, मैं तो पहले इसको देख लूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऊपर, माइनस क्या शो करेगा? उल्टा कर, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो फिजिक्स में माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन भी शो हो सकती है। तो यहां से हमें, यहां तक हमें कहानी समझ आ गई। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? उतना इजी नहीं है जितना डॉट है। अरे डॉट प्रोडक्ट में क्या था? ए डॉट बी करने के लिए क्या किया? आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। यहाँ पे तो महाभारत है पूरी, आई क्रॉस आई जीरो। हाँ यहाँ बेटा कुछ नोट करना? नो, हाँ करने का है तो पढ़ लेते हैं। देखो दो मिनट रुक जाओ सर, चलो कर लो एक बार कर। चलो आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अभी अभी लिखवाई थी वैसे मैंने, फिर से लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या फिर लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस, ऐसे लिख, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि इन वेक्टर को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो ये वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दे रखा दूसरा वेक्टर मान लो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास ये होता है डिटरमिनेंट मेथड। जिसने नहीं सुना उसको आज मैं सिखा के भेजूंगा। i कैप j कैप k कैप, और यहां पे लिखेंगे इसके कोफिशियंट a b c, इसके लिखेंगे x y z। सॉल्व कैसे करते हैं साथ में करेंगे। अगर माइनस साइन है तो कैरी होएगा उसके साथ। हाँ साथ होएगा, साथ में करते हैं। सबसे पहला आएगा आई कैप, आई कैप वाले इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसके सामने वाली रो, इसके सामने वाली कॉलम छोड़ दो। करते कैसे हैं? बी जेड माइनस सी वाई, फिर कैसे करेंगे? माइनस जे कैप,
फिर जे वाले ये छोड़ दो, जे वाला ये छोड़ दो, अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा जिसको नहीं समझ आया, पहली बार में नहीं आता है, ए जेड माइनस सी एक्स, फिर के क्या बताओ, ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स, बी एक्स आंसर, ऐसे करा करेंगे हम सॉल्व, कहां पे फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला ये तुमने शायद पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास में, वो भी कट हो गया होगा सिलेबस से, है ना, बात ही खत्म। तो ये हमारे पास एक बैच, तीसरी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि जब भी तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ जाए गलती से, तो क्या फॉर्मूला होता है, अभी अभी बताया था, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, उसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं। अगर मान लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना पड़ जाए तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बात समझ आ गई। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें दो वेक्टर देता हूं, उसका निकाल के दिखाओ मेरे को, अभी पता लग जाएगा हमें कितना समझ आ रहा है। एक वेक्टर दे दिया आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर मैंने तुम्हें दे दिया माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस सिक्स के कैप। मान लो ये तुम्हारे पास वेक्टर है और तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर ए क्रॉस बी वाला दोबारा, कहां पे ये जो किया हो, ये मैंने कैसे किया, आई कैप लिखा, इसके सामने वाली रो, इसके सामने वाली रो, इसके सामने वाली कॉलम छोड़ी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी जेड सी वाई, बीच में माइनस, जे पे गया जे के साथ माइनस, जे वाली छोड़ी ये वाली, फिर क्या आया ए जेड सी एक्स, फिर के पे गया ये वाली छोड़ी ए वाई बी एक्स, लिखना पक्का समझ आया, एक क्वेश्चन करके देखो अभी आए, गलती होगी ना तभी समझ आएगा, एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं इसे, खुद से करने का ट्राई करना। क्या तुम्हारी मैट्रिक्स ऐसे बन रही है? चलो अभी तो बनाई नहीं, बोली नोट कर रहे थे। चलो करो जल्दी, खुद से करना। सर ए क्रॉस बी निकालना, बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, चलो आ जाओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिखा आई कैप, फिर मेरे ख्याल से तो आ रहा माइनस टू माइनस सिक्स ट्वेल्व, इसका आ रहा माइनस थ्री, क्या यहां तक पहुंचे सर? फोर, अच्छा फोर, फोर और वन फोर, माइनस जे कैप, आगे पहुंचे हम माइनस के सिक्स प्लस के थ्री, ये प्लस थ्री कहां से आ गए, एक तो माइनस बीच में ही होता है, प्लस के कैप, फिर क्या पहुंच गए हम फोर माइनस सिक्स, देखना यही आ रहा है क्या, एट आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, मेरा तो ये आ रहा है, क्या ये आंसर? नहीं, अभी तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना, मैग्नीट्यूड कैसे लेते थे हमें आता मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड लेते हैं हम रूट में, एट का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, जो कि मेरा बन रहा है 6494, जो भी आएगा वो आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के भी दो मेथड होते हैं, एक तो तुम ये मैट्रिक्स लिखो, या फिर एक और भी फॉर्मूला था इसका, क्या ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन क्योंकि हमें इसमें थीटा नहीं पता था तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाए, बात यहां तक समझ आ गई। तो ये हमारे पास एक मेथड, सॉरी ये हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, ये हमारे पास एक सॉरी दो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, बात समझ में आ गई। हाँ, अब मैंने तुम्हें बताया भी कैसे क्यों ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है, ऐसे नहीं मैंने हवा में लिखवा दी कोई चीज। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, सॉरी एप्लीकेशंस की तरफ। तो सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास है कि
a dot b equal to 0 क्या रिप्रेजेंट करता था, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि थीटा 90 हो जाता था। तो a क्रॉस b इक्वल टू 0 का मतलब क्या समझते हो तुम, a क्रॉस b का मतलब क्या समझोगे, इसमें होता है ए बी साइन थीटा, कौन क्या थीटा रखूं कि वो जीरो हो जाए, जीरो साइन जीरो जीरो, और किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा जीरो है उसका मतलब पैरेलल है, या पैरेलल या एंटी पैरेलल। उसे हमने कल मैंने तुम्हें एक वर्ड भी डिफाइन करा था, उसे शायद पता नहीं क्यों कोलिनियर वेक्टर्स कहते थे, याद है किसी को, कोलिनियर वेक्टर्स एग्जैक्टली कोइनिशियल थे वो, कोलिनियर जो एक ही लाइन में होते हैं, जो एक ही लाइन में होता है, पैरेलल भी एंटी पैरेलल भी कैसे भी हो सकते हैं, याद आया कुछ? यस कोलिनियर वेक्टर अगर हमें कभी भी प्रूव करना को आ जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसके क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, जीरो, बात खत्म हो। अभी यूज क्या होता है इसका धीरे धीरे बताऊंगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो जब मैं तुम्हें रोटेशनल मैकेनिक्स कराऊंगा ना तब तुम्हें बताऊंगा कि कोलिनियर वेक्टर्स भी अपने काम के हैं। दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास ये आती है टू प्रूव वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बेटा जितना बताऊंगा सुन के उसको भूल जाना भाई, क्योंकि एक और चीज ऐसा आ गई टेढ़ी सी, अपने काम की नहीं है ज्यादा। याद है मैंने तुम्हें बड़ा अजीब सा वर्ड बताया था जो जिंदगी में हमने पहली बार सुना था, पैरेललोपाइप्ड, याद है? वही वापस आने लगा। आज तुम्हें बना के दिखाता हूँ पैरेललोपाइप्ड, उसका वॉल्यूम कब बताया था मैंने तुम्हें पैरेललोपाइप्ड, जब मैंने तुम्हें वो बताया था वो टीवी का डिब्बा जिसको छलांग मार के उसको, और वो जब मैंने तुम्हें कोप्लेनर वेक्टर समझाया था, टीवी का डिब्बा लाओ वो 3D होता है, छलांग मारो तो 2D हो जाता है, वॉल्यूम जीरो होती है जिसकी, है ना, वो होते हैं हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन कोप्लेनर प्रूव कैसे करूं, है ना, कोप्लेनर वेक्टर प्रूव कैसे करूं, तो एक काम करते हैं समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो पैरेललोपाइप्ड की मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इसे, ध्यान से समझते रहना, कुछ अपने ज्यादा काम का नहीं, जितना समझ आए आ गया बाकी छोड़ दो, फ्लैट कर देंगे। दो पैरेललोग्राम से बनता है, मतलब ये जैसे क्यूब होता है ना स्क्वायर से बनता है, ये पैरेललोग्राम से बनता है, ये मान लो हमारे पास पैरेललोग्राम है, मतलब वो बताते वो फ्रूट की पेटी होती है, ऊपर से लात मार दी गुस्से में आके टेढ़ी हो गई, वैसा कुछ है? ये वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास है ए वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास है मान लेते हैं बी वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास सी वेक्टर। बेटा ध्यान से सुन लो, ये वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। बात समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? पहले मुझे ए क्रॉस बी निकालना, क्या होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, याद आया कुछ? Yes. इसकी डायरेक्शन बताओ, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वो कुछ भी, ए की तरफ हाथ रखा बी की तरफ घूमे कहां आएगा, ऊपर, मेरे ख्याल से तो पता नहीं क्यों ये डायरेक्शन लग रही है मुझे, है ना, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। अब मान लो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, मैं फिर से बता दिया, समझ नहीं आया वहीं छोड़ देना, अपने काम का नहीं है ज्यादा। यहां पे आ गई ए क्रॉस बी, यहां पे हमारे पास सी वेक्टर, मेरे को सी इसकी डायरेक्शन में चाहिए, सी कोस थीटा, क्या करते थे जब भी हमें सी का कंपोनेंट लेना है, इधर कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट, सी कोस थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी कोस, ए क्रॉस बी सी कोस थीटा, लेकिन एक सेकंड, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए क्रॉस बी ये जो भी चीज है मुझे नहीं पता क्या है, डॉट सी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। घुमाना दिमाग, ये बेटा तुम्हें 3D में मैथ में पढ़ाया जाएगा, मैंने तो ऐसी हवा में बता दिया तुम्हें ऐसे स्टाइल मारने के लिए, लेकिन ये तुम्हें मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक मिनट, हमारे फायदे की चीज है, क्या फायदा है इसमें हमारा, कि जब भी मेरे को प्रूव करना है दो वेक्टर कोप्लेनर है, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को, ये जो भी तामझाम सा आया इसको किसके इक्वल रख दूंगा, जीरो, अरे वॉल्यूम जीरो हो गई, वही तो होते हैं कोप्लेनर वेक्टर, याद करो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते थे, जिनका वॉल्यूम क्या होता है, जीरो, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो जब भी मेरे को कोप्लेनर प्रूव करने होंगे उसकी कंडीशन आ गई, अरे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तामझाम सा, वॉल्यूम को, वॉल्यूम में जीरो हो गई तो मतलब वो कैसे वेक्टर है, कोप्लेनर। यहां तक बात समझ हमें आ गई, समझ लो परपेंडिकुलर है दूसरे में, हाँ। और क्या कहते हैं, हमारे पास उतना ज्यादा कुछ यूज का है नहीं, ये वाला, ये वाली चीज, ठीक है।
इसका नाम भी होता है बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अरे भाड़ में हमें याद ही नहीं रखना, अपने काम का नहीं है उतना। मैं तो ऐसे ही तुम्हें बता दे कि कभी हमारे को मैं तुम्हें लिखूं या एग्जाम में लिखा हुआ देखो तो तुम्हें समझ आए थोड़ा सा कि दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था। हमने क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत इत्मीनान से अच्छे से पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। कहो तो ये वाला एक और क्वेश्चन करा दूं, वैसे मेरे ख्याल से क्लियर होगा। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, यहां तक वेक्टर होगा कंप्लीट। और मेरे ख्याल से ना हमने उसको कुछ ज्यादा ही निचोड़ दिया। वो देखा तुमने गन्ना जो होता है उसको ऐसे डालते हैं मशीन में, एक बार में अभी जूस रह जाता है उसका, फिर से डालते हैं और लास्ट में बिल्कुल उसमें बिल्कुल जूस क्या उसमें बिल्कुल निचोड़ जाता है। वैसे हमने लगभग वेक्टर को कर लिया, कुछ नहीं बचा इसमें। अब मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बता दिया इसका, कुछ ज्यादा ही बता दिया जितना बताना भी नहीं था। सारा बता दिया मैंने तुम्हें। तो मेरे ख्याल से यहां तक वेक्टर जब भी रिवाइज करो इसमें से तो सारा रिवाइज हो जाएंगी तुम्हारी चीज। तो अब मेरे से कुछ रह रहा जो मैंने पास्ट में मतलब लास्ट 3 डेज में कुछ बताया वो रह गया। उसकी मैंने जरूरत आने ही नहीं। क्या बताऊं? हाँ, प्रॉपर्टीज में लिख लेते हैं एक बार, प्रॉपर्टीज में लिख लेते हैं। वैसे मैंने उसकी जरूरत आने ही नहीं दी तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं कि कुछ रह ना जाए, अपने नोट्स पूरे हों। क्या होता है कि जब भी तुम्हारे पास आई क्रॉस जे हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आई क्रॉस जे का आई जे दिमाग में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाई, आई से जे की तरफ जाओ। कहां आ रहा थम? जेड थम कहां आ रहा है? आई पे गए जे, सॉरी आई पे गए जे पे घुमाया, थम आ रहा बाहर। और बाहर क्या होती है? जेड एक्सिस मतलब के क्या? प्लस की माइनस की? प्लस की। आंसर मेरे को बताना, जे के क्रॉस जे क्या होगा दिमाग में? के क्रॉस जे, के की तरफ रखा बाहर, रखना हाथ लाए, जे की तरफ गए कहां रहे? माइनस एक्स एक्सिस। और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ क्या आता है? अरे कोई बड़ी बात थोड़ी थी इसमें। अब बताओ मुझे जे डॉट के, सॉरी रुक जाओ आई डॉट के, आई क्रॉस के सॉरी, आई की तरफ रखो के की तरफ जाओ, ऐसे आएगा। आई की तरफ रखा के की तरफ गया, नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है मेरे ख्याल से, तो माइनस जे क्या? अरे हम क्यों याद रहे? अच्छा बार बार ऐसे ऐसे करते रहोगे एग्जाम में बैठ के। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या, सबको पता ही होती है चीज, ऐसे भी लिख देते हैं हम इसे। आई से जे की तरफ जाओगे तो के आएगा, जे से के की तरफ जाओगे तो आई आएगा, के से आई की तरफ जाओगे तो जे आएगा, और ये प्लस। अगर इस तरफ जाओगे तो प्लस, उल्टा जाओगे तो माइनस। मेरे ख्याल से ये ट्रिक हम ना भी याद रखे तो हमें ये चीज आती है। आती है पक्का? आंसर मैं तो याद ही नहीं कराता ये चीज किसी को, सर्कल वाला यहीं से याद है। आई से जे की तरफ गए के क्या, जे से आई की तरफ गए तो जे से आई की तरफ गए माइनस के का आंसर। अभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हमने वेक्टर को बिल्कुल टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया, और हमने बिल्कुल उसको निचोड़ लिया, कुछ नहीं बटा बचा वेक्टर में। तो जो भी बेटा तुम वीडियो देख रहे होंगे ढंग से पढ़ लेना इस चैप्टर को। तो मिलते हैं फिर कल डिफरेंशिएशन के साथ डे 4 में, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे जो कि मैथमेटिक्स का एक अनदर टूल है जो कि हमारे फिजिक्स में यूज हो रहा होगा। हर समय हम पूरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यही करते रहेंगे, तो उसको एक ही बार सीख लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत आए। इसी तरह से पढ़ेंगे, वही 11th से स्टार्ट हो गए 12th पे खत्म, बिल्कुल बिल्कुल सेम ज्योमेट्री के साथ वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।